आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कुछ समय अपने लिए नहीं निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा हम अपने व्यवसाय में, नौकरी में या फिर पैसा कमाने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हमें खुद इस बात का समझ नहीं आता है कि आखिर हम करें क्या, और कई बार हमारे जीवन में परेशानी भी दस्तक देने लगती है लेकिन हमें इसका आसान सा उपाय कुछ समझ में नहीं आता है और हम इसका आए दिन यानी कि रोजाना शिकार हो जाते हैं और हम अपना जीवन ऐसे ही जीते रहते हैं। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय रोजाना के हिसाब से बताने वाले हैं जिनको करने से आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की पा सकते हैं। जी हाँ, रोजाना दिन के हिसाब से अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर होगा और आपके सारे बिगड़े काम बनते हुए चले जाएंगे। आपको बता दें, सोमवार के दिन अगर बहुत ज़रूरी काम के लिए आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो शीशे में अपना चेहरा देख कर निकलें। जी हाँ, निकलने से पहले आप एक बार अपने चेहरे को शीशे में देख लें तो आपका काम ज़रूर फलेगा और आपको लाभ इसका ज़रूर होगा। वहीं मंगलवार का दिन हनुमान बाबा के लिए माना जाता है। आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने घर से कुछ ना कुछ मीठा खाकर ज़रूर निकलना है। आप बेसन के लड्डू या गुड़ खाकर निकलेंगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा। वहीं बुधवार के दिन हरी धनिए की पत्ती का सेवन करने के बाद आप अपने घर से निकलते हैं तो आपके सभी काम सफल बन जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वहीं आपको बता दें, गुरुवार या मतलब कि आप गुरुवार के दिन घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में आप सरसों के कुछ दाने अपने मुंह में डालकर निकलेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपको मनचाहा फल भी मिलने लगेगा और ज़िंदगी आपकी सफल बन जाएगी। वहीं शुक्रवार माँ लक्ष्मी को सफ़ेद वस्तुएं काफ़ी ज़्यादा प्रिय होती हैं और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को तो वैसे भी धन की देवी कहा गया है, इसलिए शुक्रवार को दही खाकर निकलना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना गया है और इससे लाभ भी ज़रूर होता है। वहीं शनिवार शनिदेव का दिन होता है। जी हाँ, इस दिन अगर आप शनिदेव की पूजा में बहुत ज़्यादा समय देते हैं तो आपको लाभ ज़रूर होगा। वहीं आप शनिवार को अगर किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस दिन आपको अदरक या घी खाकर निकलना है, आपका काम ज़रूर बन जाएगा, कोई भी बाधा बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। वहीं रविवार के दिन, वैसे तो रविवार के दिन सिर्फ आराम करना चाहते हैं क्योंकि रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन अगर फिर भी कोई शुभ काम के लिए आप निकल रहे हैं तो ऐसे में आपको पान का पत्ता अपने पास रख कर निकलना है तो इससे भी आपके सारे काम बन जाएंगे और आप खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं लौटेंगे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।